हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी है रहर मूंग की दाल। ये टेस्टी दाल झटपट बन जाता है, खाने में लाजवाब होता है। बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। जो बच्चे दाल नहीं खाना पसंद करते हैं, मुंह बनाते हैं, इस तरह से अरहर मूंग का दाल मिला के बनाएंगे तो भी मांग मांग कर खाएंगे और उनके सेहत के लिए बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। ये दाल हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसको बनाने के लिए छोटी कटोरी से एक कटोरी अरहर का दाल ली है, इसे तुअर दाल भी कहते हैं, और आधा कटोरी मूंग का दाल ली है। आप चाहें तो दोनों दाल को बराबर ले सकते हैं या कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस दाल को चाहे तो आप कुकर में डाल दीजिए और चाहे तो किसी बाउल में ट्रांसफ़र कर दीजिए और इन्हें अच्छे से दो तीन पानी तक धो लीजिए। दाल को अच्छे से धो लेना है। दाल को धोने के बाद दो तीन मिनट तक हम पानी में रहने दिए थे, उसके बाद स्ट्रेनर में दाल को छान लिए, इसका पानी निकल जाएगा। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर कुकर चढ़ा दिए हैं। अब इसमें दो चम्मच छोटे चम्मच से ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया, जीरा, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, तेज़पत्ता। अब गरम तेल में इन सब चीज़ों को डाल देंगे। ये सब चीज़ें चटकने लगा, अब इसमें प्याज डाल देंगे। छोटा सा प्याज काट के रखे थे, डाल दिए। अब दो तीन कली लहसुन का काट के डाल देंगे। थोड़ा सा अदरक कटा हुआ डाल दिए। अब इन सब चीज़ों को दो मिनट तक फ्राई होने देंगे। हरी मिर्ची भी डाल दिए। इन सब चीज़ों को बहुत देर तक फ्राई नहीं करना है, बस इतना फ्राई करना है कि प्याज गुलाबी कलर का हो जाए, इसको ब्राउन कलर का नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद इसमें अब दाल डालेंगे। जब प्याज को फ्राई होते हुए दो मिनट हो गए, गुलाबी कलर का हो गया, तो जो दाल धुल के रखे हैं हम रहर का, मूंग का, इसमें डाल दिए और दो तीन मिनट तक दाल को भी इसी तरह तेल में फ्राई कर लेंगे। तीन मिनट हो चुका। अब इसमें एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी मिक्स कर लेते हैं और दो मिनट तक दाल के साथ पकने देंगे। टमाटर को पकते हुए दो मिनट हो गया, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। अब दाल को गलने के लिए इसमें पानी डाल देंगे। हम दो गिलास पानी डालेंगे। आप चाहें तो पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं कि दाल कितना गाढ़ा या पतला आपको रखना है। अब इसमें टेस्ट अनुसार नमक डाल देंगे। हम एक चम्मच डाले हैं, भर के नहीं डाले हैं, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर डाले हैं कलर के लिए। बहुत ज़्यादा भी हल्दी डाल देंगे तो ये कसैला आता है, कम भी डालेंगे तो कलर अच्छा नहीं आएगा। सभी चीज़ों को मिक्स करके ढक्कन लगा दिए, चार सीटी तक पकने देंगे। कुकर चार सीटी ले लिया, गैस को बंद कर देंगे, प्रेशर निकलने का इंतज़ार करेंगे। प्रेशर निकल गया, दाल को देख लेते हैं। दाल तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। दाल गल भी गया है और खड़ा खड़ा भी है, जैसा हमको दाल चाह रहा था वैसा परफेक्ट है। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, इससे दाल का टेस्ट और बढ़ जाएगा। धनिया को मिक्स कर लेते हैं। अब चलते हैं दाल को तड़का लगाने की तैयारी करने। गैस पर पैन गरम है, इसमें छोटे चम्मच से दो चम्मच चाहे घी डाल दीजिए, चाहे ऑयल डाल दीजिए, जिसमें आपको तड़का लगाना पसंद हो डाल दीजिए। जब ऑयल गरम हो गया तो गैस को बंद कर दिए। दो कली लहसुन का डाल दिए। आधा मिनट तक लहसुन फ्राई हो गया। अब दो तीन चुटकी इसमें जीरा डाल दिए, जीरा भी चटकने लगा। अब दो सूखी लाल मिर्ची डाल देंगे। अब दो तीन मिनट तक इन सब चीज़ों को फ्राई होने देंगे। तड़का तैयार हो गया, अब दाल में डाल देंगे। दाल बनके रेडी हो गया है, अब इसको सर्व कर लेंगे। दाल तो झटपट बन गया है, अब रोटी, चावल, पूड़ी, पराठा कुछ भी मिल जाए तो बस खा लिया जाए।
दाल खाने के लिए रेडी है। तो इस तरह से आप जब भी दाल बनाएंगे आपका दाल परफेक्ट उतरेगा, जो खाएगा वो आपकी तारीफ करेगा। एक बार आप भी इस तरह से रहर मूंग का दाल बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।